Hello everyone. Hello everyone. Good evening everybody. Am I audible to each and everyone? Am I audible to each and everyone? Is audibility absolutely fine? We are live now. This is Mohit here and welcome to the test book. सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं बा confirmation देंगे सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं बा confirmation दो यार is audibility absolutely fine to each and everyone? जल्दी fast. Am I audible? Is it visible? Is audibility absolutely fine? जल्दी सो गाइस इंडिया के बेस्ट एजे इलेक्ट्रिकल सेशन में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है. पिछले पौने दो साल के अंदर जितने भी हमारे एग्जाम हुए हैं जितने भी हमारे स्टूडेंट्स अपियर हुए हैं सभी बच्चे मेरे इन सेशंस को जरूर देखते हैं 4 बजे से लेकर 6 बजे तक. और गाइस पिछले सारे पौने दो साल के एग्जाम चाहे DSSSB हो या DFCCIL हो UPPCL हो या UPRVNL RSMSSB हो RVNL हो या फिर हमारा जेटको का पेपर हो या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड OCT बोकारो का पेपर हो या पेपर हो मध्य प्रदेश सब इंजीनियर या फिर SSC JEE का हो इन सारे एग्जाम में गाइस आपको मेरे इन्हीं सेशन से एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिले हैं. और इस बार हम और हमारी ये फैमिली जो कर रही है इंडिया की बेस्ट AEJEE इलेक्ट्रिकल फैमिली जिन एग्जाम्स को टारगेट कर रही है वो एग्जाम्स हैं आपके मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर DRDO सेप्टम STA A STA B CBT 2. देन अगर हम बात करें महाजैन को AEJEE देन हम अगर बात करें यूपी मेट्रो AEJEE देन अगर हम बात करें तो APDCL जो कि अभी आने ही वाला है या पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनी क्यों ना हो जाए और हमारा KVS भी क्यों ना हो जाए और यूपी मेट्रो भी क्यों ना हो जाए. ठीक है तो इस बार भी हम लोग आग लगाने वाले हैं बेहतरीन तरीके से 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक हम लोग रेगुलर मिलते हैं. और आज आप लोगों के लिए गुड न्यूज भी है. गुड न्यूज अभी मैं बताऊंगा क्लास के बाद. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज जो भी बच्चे काफी सारे बच्चों ने मुझे रिसेंटली टेलीग्राम पे मैसेज किया हुआ है तो मैं वहां तो रिप्लाई कर नहीं पाया आपको. उसके पीछे का कारण है आपको पता है कि पूरे टाइम क्लासेस के अंदर हूं तो मैं आपको बता देता हूं. काफी सारे बच्चों ने मुझसे पूछा तो सेशन को यहां पे लाइक कर देंगे तो मैं बता देता हूं आपको बेटा. जो भी बच्चे दिल से आने वाले JEE एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं ठीक है तो वो अब अपना टाइम वेस्ट ना करें. ठीक है आज ही इस काम को करें बहुत अच्छे तरीके से. मैं हमेशा बोलता हूं हर दिन बोलता हूं गाइज मेरी जो यूट्यूब की क्लास है वो तुमको ऊपर से क्रीम दे देंगी प्रोवाइड कर देंगी ऊपर से सारा क्रीम प्रोवाइड करेंगी लेकिन इन क्वेश्चंस को 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड में एकदम से जल्दी से करेक्ट करना. ये क्वेश्चन तो एग्जाम में मिल जाएगा बट इनको जल्दी फास्ट फॉरवर्ड वे में करेक्ट करना. उसके पीछे की जो थ्योरी है उस पीछे का जो नॉलेज है उस पीछे के जो बेसिक फंडामेंटल है उसके जो एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं ये सारी चीजें तुमको मिलती हैं यहां पर कहां पर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो चलो मैं तुमको लेके चलता हूं उस जगह पे जहां पे आज भारत का हर AEJEE इलेक्ट्रिकल का बच्चा पढ़ता है मैक्सिमम बच्चे पढ़ते हैं. तो यहां पर आप लोग देखेंगे मैक्सिमम सिंसियर बच्चे पढ़ते हैं तो मैं यहां पे आप लोग को दिखा देता हूं. जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आओगे तो आपको AEJEE इलेक्ट्रिकल की लिंक पर क्लिक करना है. जब आप बेटा AEJEE इलेक्ट्रिकल की लिंक पर क्लिक करते हो तो आप देखिए यहां पे आपको क्या मिलता है. सबसे पहले तो गाइज आपको यहां पर क्या मिलता है मैं आपको बता देता हूं. यहां पर मिलता है मेरा JEE का बैच वो JEE का बैच जो इंडिया के सारे एग्जाम्स के लिए सफिशियंट है हर एग्जाम के लिए चाहे वो ये वाला बैच हो और जो बच्चे AEE एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा ये वाला बैच है. तो ये दोनों बैच आपको यहीं पर मिलते हैं. इन दोनों की कोई अलग अलग कॉस्ट नहीं है. देन अगर हम इसके बाद की बात करें नॉन टेक्निकल का आपका पूरा ध्यान रखा गया है. नॉन टेक्निकल भी आपको इसी बैच के साथ मिलता है कंप्लीट बैच. देन अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जिनके स्टेट के एग्जाम्स के अंदर कभी कभी स्टेट का जीके भी पूछता है. तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहां पर ये यह देखिए मध्य प्रदेश जीके देन आप देखेंगे उत्तर प्रदेश जीके देन अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश जीके के बाद हरियाणा जीके और इस तरीके के आपके जीके भी यहां पर अवेलेबल है सारे स्टेट्स के जहां जहां पूछा जाता है. देन आप सभी के मन में एक चीज है कि सर आने वाले समय में 2023 में रेलवेज की वैकेंसीज आ सकती हैं और आएंगी आपकी होप है हमारी भी होप है. तो मान लो अगर रेलवेज की वैकेंसी 3-4 महीने बाद आ जाती है तो फिर इंडिया के हर एक बच्चे को बैच खरीदना पड़ेगा. वो आपकी मेंटेलिटी है नो डाउट बट यार हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारी ये चीज करके रखी है कि इसी के अंदर ऑलरेडी हमने RRB के बैच को इंक्लूड कर दिया गया है ताकि जब RRB आएगा उस टाइम पर आपको इसको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके पास पहले से ही ये चीज अवेलेबल रहेगी. देन अगर हम बात करें तो जो हमारे इंजीनियर्स हैं राइट नाउ वो सब ट्राई कर रहे हैं कि वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए पढ़ना चालू कर दें. तो गाइज ATC के लिए भी यहां पर हम लोग ने आपको ऑलरेडी बेटा बैच प्रोवाइड कर दिया गया है. तो ATC के लिए भी आपको कुछ अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट्स या कुछ अलग से एक्स्ट्रा मनी की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज बात करें तो एक बच्चे के मन में आता है कि सर
और क्या मिलने वाला है इतनी सारी चीजों के अलावा, तो बेटा इंडिया के जो और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि निम्बस लर्निंग, इंजीनियर्स एकेडमी, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म या मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट, जैसे सारे इंस्टीट्यूट के बैचेस, कॉन्टेंट, टीचर्स भी अब आपको इसी प्लेटफॉर्म पे एक साथ मिलते हैं इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर। अरे सर ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया सर। देन अगर हम बात करें तो हर एक स्टूडेंट को चाहिए रेगुलर डाउट क्लासेस, जो कि आपको हर दिन मिलती है मेरी सारी डाउट क्लासेस। देन मेरे पीवाईक्यू सेशन हर दिन मिलते हैं। देन हर संडे को मैं स्ट्रेटेजी सेशन लेके आता हूं और हर सैटरडे को आपके साथ रात को 9 बजे बैठ करके एक लाइव मॉक टेस्ट देता हूं, ताकि आपको यह पता चले कि पेपर एक्चुअली में दिया कैसे जाता है। देन बात आती है टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज ऑलरेडी इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर इंक्लूडेड है। हर एक एग्जाम की, जो आपके आने वाले एग्जाम है या जो हो चुके हैं। अब बात आती है सर ये तो फिर इसका मतलब तो ये हो गया कि इसकी कॉस्ट तो काफी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि सर इतनी सारी चीजें तो हमने एक साथ कभी देखी नहीं है लाइफ में, मतलब अब बचा क्या सर, हमारे पास कोई पॉइंट ही नहीं है बोलने के लिए कोई एक ऐसी चीज है जो हमारे पास बची होगी, ऐसा तो हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है। तो गाइस मैं बता देता हूं, ऐसा भी नहीं है, आपके पास पॉइंट हो भी सकता हो या ना भी हो सकता हो। मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूं कि गाइस इसका प्राइस बहुत ही कम है। अगर आप 12 मंथ्स के लिए लेना चाहते हैं राइट नाउ तो इसका प्राइस सिर्फ 5809 है, लेकिन यह भी कम हो जाता है अगर आप लोग यहां पर एक कूपन कोड अप्लाई कर देते हो जो कि टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड है, दैट इज कॉल्ड MOHITK। ये टेस्ट बुक का गाइस एकमात्र यूनिवर्सल कूपन कोड है जो कि सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको प्रोवाइड करता है। और SSC, बैंकिंग, डिफेंस, UPSC, इंश्योरेंस, पुलिस, टीचिंग ट्रेनिंग, गेट, EAC, AEJEE, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, UGC नेट, CUET एंड रेलवे जैसे सारे एग्जाम्स के लिए आप यू कैन यूज दिस। तो आप लोग बाकी लोगों को भी सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और आफ्टर द डिस्काउंट ये आपका हो जाता है 5300 का। तो यार 12 मंथ्स के लिए सिर्फ इतने का ये सब्सक्रिप्शन है। और गाइज एक चीज और, अगर आपको लगता है सर इतना अमाउंट अभी नहीं है बट हम जेन्युइन तैयारी करना चाहते हैं, तो ये मेरी बात है, वही बच्चे सुनना जो जेन्युइन तैयारी करना चाहते हैं, तो 6 मंथ्स के लिए भी आप जा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको लगता है सर इतना भी नहीं है, तो अभी आप रिसेंटली 3 मंथ्स के लिए जा सकते हो, देन फिर बाद में 3 मंथ्स के लिए और कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि बेटा सिलेबस भी तो कंप्लीट करना ही है, राइट। चलिए अब आते हैं आज की क्लास पे। आज की क्लास का जो मेरा मेन मोटिव था वो ये था कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी ज्यादा करवाने, तो सेशन को सभी बच्चे एक बार शेयर कर देना मस्त तरीके से। गुड इवनिंग भाई सभी। सर आप बता सकते हो कि वो कैशबैक मिलेगा भी या नहीं? मोहिनी देखो ऐसा रहता है बेटा, ये जो है कैशबैक मिलता है लकी विनर्स को, और आप शायद लकी थे, तो आपके पास टीम के पास से कॉल आ जाएगा या मेल आएगा आपके पास, ठीक है। टीम बाइफरगेट करती रहती है, तो डेफिनेटली आएगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, ठीक है। और नहीं तो मैं टीम को एक बार बोल दूंगा, ठीक है, तो मे भी शायद है ना जल्दी से शायद चीजें हो जाएंगी, तो मैं एक बार बोल दूंगा, एक बार मुझे जरूर बता दीजिएगा, एक बार और मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा तो मैं वो स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए टेलीग्राम पे मैसेज चैट नहीं कर पा रहा हूं, ग्रुप ज्वाइन करो, तुमने चैनल ज्वाइन किया है चैनल के बाद ग्रुप भी ज्वाइन करो। ये देखो वॉशिंग पाउडर निर्मा, बाप रे बाप। चलिए तो सबसे पहले बेटा 64 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग नाउ, तो एक बार मस्त तरीके से सेशन को लाइक कर देना, फिर अपन लोग चलते हैं आगे की तरफ। तो एक शुरुआत होनी चाहिए लाइक की, 50 बच्चे लाइक कर देन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी फटाफट फास्ट, एनर्जी हाई होनी चाहिए, जल्दी जल्दी करेंगे। और ये आज हमारा 23rd लेक्चर है, जो बच्चे वेस्ट बंगाल PSC और UP मेट्रो की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, देख लेना भैया, इससे ज्यादा कोई पढ़ाता हो तो बता देना मेरे को, फिर मैं भी तो देखूं। चलो बहुत बढ़िया, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन बिकॉज। भैया एक फिलामेंट बल्ब जो होता है किसका है ना, जिसके अंदर फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का क्यों बनता है, और किसी का नहीं बन सकता क्या? बन सकता है, काय काय का बन सकता है, कार्बन का बन सकता है और ऑस्मियम का बन सकता है, ठीक है, ये सब का बन सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग टंगस्टन का ही बनाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? ये सस्ता है क्या? ये ज्यादा चमकता है? अबे फेयर एंड लवली थोड़ी है जो ज्यादा चमकेगा। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई या इट्स रेजिस्टेंस इज लो? फॉर फिलामेंट द ओनली इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज वॉट? भाई एक फिलामेंट के लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है? कि भैया जल्दी पिघलेना। क्या है? जल्दी से पिघलेना, यही एक फिलामेंट की इंपॉर्टेंस है। तो दैट करेक्ट आंसर इज मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत हाई होता है, इतनी जल्दी से ये पिघलता नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया सर, नेक्स्ट। वेपर डिस्चार्ज ट्यूब यूज्ड फॉर डोमेस्टिक लाइटिंग हैज। तो बेटा वेपर डिस्चार्ज ट्यूब जो होता है, वेपर डिस्चार्ज ट्यूब जो होता है जो कि डोमेस्टिक लाइटिंग के लिए यूज किया जाता है, इसके अंदर क्या होता है? वेपर डिस्चार्ज ट्यूब, कोई फिलामेंट नहीं होता, एक होता है, दो होते हैं या ट्री होते हैं। अबे ट्री नहीं लिखा, ये थ्री लिखा हुआ, एच खा गया ये, ठीक है, एच कोई और लेके भाग गया इसका, ठीक है, THR, ये थ्री लिखा हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा इसका? टू फिलामेंट। तो याद रखिएगा बेटा, वेपर डिस्चार्ज ट्यूब जो होती है बेसिकली
है ना, वेपर डिस्चार्ज ट्यूब जो बेसिकली होता है, इसके अंदर टोटल कितने फिलामेंट होते हैं, इसके अंदर टोटल दो फिलामेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया सर इस सवाल में भी। तीसरा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब होता है ऊर्जा संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम, उसका एग्जाम्पल कौन सा है? एयर कंडीशनिंग इज ऑन इवन ऑफिस इज क्लोज। भैया बोल रहा है एसी ऑन रहता है ऑफिस बंद रहता है तब भी। यूज ऑफ ओवरसाइज रेफ्रिजरेटर, बड़े साइज के रेफ्रिजरेटर। यूज ऑफ कोल्ड कन्वेंशनल रेजिस्टिव फैन रेगुलेटर, पुराने जमाने का रेगुलेटर। यूज ऑफ एलईडी लैंप इन प्लेस ऑफ इनकैंडेसेंट लैंप। तो जल्दी बताएंगे फटाफट द करेक्ट आंसर ऑफ ऊर्जा संरक्षण नियम का, एक ही आंसर है भाई। ये फालतू की बकवास जो लिखी हुई है ना, इसको ऐसे करके पकड़ लो, पकड़ लिया देखो हाथ में आ गया, और इसको ऐसे करके सामने वाले के घर की छत के ऊपर फेंक दो, ठीक है। तो यूज ऑफ एलईडी लैंप इन प्लेस ऑफ इनकैंडेसेंट लैंप, क्लियरिटी है क्या? यस सर, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लोड ऑफ इंस्टॉलेशन द रेटिंग एज्यूम्ड फॉर इनकैंडेसेंट लैंप इज। जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएं। कुछ सोच रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सामने वाले की छत पे क्या फेंक दो। मैंने तो केवल यही फेंकने के लिए बोला था, मुझे तो ये भी पता है तुमने क्या क्या फेंका है। आ जाओ इधर अब। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लोड ऑफ एन इंस्टॉलेशन द रेटिंग एज्यूम्ड फॉर इनकैंडेसेंट लैंप इज, द रेटिंग एज्यूम्ड फॉर इनकैंडेसेंट लैंप इज। अगर हमको बेटा लोड इंस्टॉलेशन चेक करना, जैसे मान लो आप अपने घर में इन्वर्टर लगवा रहे हो, तो भाई इन्वर्टर वाले भैया पूछेंगे आपसे कि आपको कितनी रेटिंग का इन्वर्टर लगाना, तो आप अपने घर में लोड कैलकुलेट करोगे, पंखे को 60 वॉट की जगह कितना लोगे, है ना, फ्रिज कितना लोगे। तो ऐसे इनकैंडेसेंट लैंप की जो बेसिकली हम लोग लेते हैं वो कितना लेके चलते हैं बेटा, 60 वॉट। तो इनकैंडेसेंट लैंप की जो रेटिंग लेके चलते हैं वो 60 वॉट के आसपास लेके चलते हैं, क्लियरिटी है क्या? यस सर, क्लियरिटी है क्या? यस सर। चलिए नेक्स्ट, वॉट इज द रिजर्व कैपेसिटी, वॉट इज द रिजर्व कैपेसिटी इफ द मैक्सिमम डिमांड ऑफ जनरेशन ऑफ पावर इज 50 मेगावॉट, द लोड फैक्टर ऑफ द प्लांट इज 60% एंड प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज। तो बेटा याद रखना, प्लांट का कैपेसिटी फैक्टर जो है वो 50% है, लोड फैक्टर यानी कि भार गुणांक आपका 60% है, 60% है, मैक्सिमम डिमांड 50% है, रिजर्व कैपेसिटी क्या होगी? चलिए तो सबसे पहले आपको बताता हूं बेटा लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। लोड फैक्टर का फॉर्मूला होता है मेरे लाल एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। क्या होता है? एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। अब ये लोड फैक्टर है और लोड फैक्टर बेसिकली कितना है? 60%। 60% अगर लोड फैक्टर है तो ये हो जाएगा 0.6 इक्वल टू एवरेज डिमांड की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एवरेज डिमांड और डिवाइडेड बाय हो जाएगी मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड कितनी है? 50। तो 50 इंटू 0.6 जब हम करने जाएंगे मेरे लाल तो ये 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30। तो आपकी जो एवरेज डिमांड निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है? 30 मेगावाट। एवरेज डिमांड जो है मेरी वो कितनी निकल के आ गई? 30 मेगावाट निकल के आ गई। बहुत बढ़िया, तो एवरेज डिमांड मेरी 30 मेगावाट आ गई है। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है एवरेज डिमांड अपॉन सिस्टम कैपेसिटी। क्या होता है? एवरेज डिमांड अपॉन सिस्टम कैपेसिटी। तो एवरेज डिमांड कितनी है भाई? 30 डिवाइडेड बाय 50, तो ये कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5, 6 जा, तो 60 मेगावाट आ जाएगी मेरे हिसाब से। यस सर। तो बेटा मेरी सिस्टम की जो कैपेसिटी निकल के आ जाएगी यहां से वो कितनी आ जाएगी? 60 मेगावाट। कहां से निकल के आ जाएगी? कहां से निकल के आ जाएगी? तो कुछ लोग ऊपर देख रहे हैं, पता नहीं कहां ऊपर, क्या भैया इधर देखो, कुछ लोग क्लास देखते देखते साइड में से देखने लग गए, उधर नहीं है कुछ भी, इधर ही है भैया, इधर से निकल के आएगी रे। एवरेज डिमांड अपॉन सिस्टम कैपेसिटी। तो एवरेज डिमांड तुमको गिवन है कितनी? एवरेज डिमांड तुमको निकल के आई है 30, 30 में डिवाइड कर देंगे ये प्लांट कैपेसिटी फैक्टर तो निकल के आ जाएगा क्या? 60 मेगावाट। जब ये 60 मेगावाट निकल के आ जाएगा और एक्चुअल मैक्सिमम डिमांड इतनी है तो एक सिस्टम इतनी पावर डेवलप कर सकता है लेकिन उससे ली इतनी जा रही है तो उसके पास बच कितनी गई? 10 मेगावाट। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10 मेगावाट। क्लियरिटी है क्या? क्लियरिटी है क्या? यस सर। नेक्स्ट, क्यों सर आगे क्यों बढ़ा रहे हो? अरे रुक तो जा भाई, रुक तो जा, मेरी इच्छा, आई एम द कैप्टन ऑफ द शिप। कुछ सोचते और अरे क्वेश्चन आगे क्यों बढ़ा रहे हो? करवाओ करवाओ करवाओ। अबे गधे, उसी टाइप के क्वेश्चन थे इसलिए नहीं करवाए। द मिनिमम डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस इन अ केबल इज, मिनिमम डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस इन अ केबल इज, जल्दी, मिनिमम डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस इन द केबल इज। किसी किसी को लगता है अरे मैं तो खा ही नहीं पाया, मेरे सामने से कोई रसगुल्ला निकल गया, मैं तो खा ही नहीं पाया रसगुल्ला, ये क्वेश्चन नहीं था बेटा, वो किसी और क्लास में वापस आ जाएगा, मत लोड ले। चलो, द मिनिमम डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस ऑन अ केबल इज, भैया केबल कौन सी बात की जा रही है? सर वही वाली केबल की बात की जा रही है जिसपे बचपन में लटक जाता था। अब मैं कह दूं वो वाली केबल नहीं है ये कौन सी केबल है? ये आपकी ये वाली केबल है,
इसके अंदर क्या होता है भैया, कंडक्टर होता है बीच में, ये देखेंगे आप लोग सब लोग कंडक्टर, ये आपको ऐसा दिखता है, और ये होती है इसके ऊपर से शीथ। क्या होती है? शीथ। ये ऊपर साइड आप लोग देख रहे हो, है ना, ये आपकी शीथ है, ये ब्लू कलर की जो लगी हुई है ये शीथ है, ठीक है। तो ये ब्लू कलर की जो लगी है वो शीत है, और अंदर ये जो है वो क्या है, कंडक्टर है। तो होता क्या है बेटा, कंडक्टर में रहती है पावर, ठीक है, और ये बीच में बैठा रहता है इंसुलेशन। बीच में कौन है? ये इंसुलेशन। तो ये यहां पर इंसुलेशन भरा हुआ रहता है पूरा, कंडक्टर और शीत के बीच में यहां पर इंसुलेशन रहता है। तो होता क्या है एक्चुअली में, होता क्या है एक्चुअली में, कंडक्टर से लेके इंसुलेशन के बीच में, कंडक्टर से लेके इंसुलेशन के बीच में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल का स्ट्रेस, यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल का स्ट्रेस पड़ता है कंडक्टर के सरफेस पे, और सबसे कम पड़ता है क्या, जितना दूर जाता जाएगा, जितना दूर जाता जाएगा उतना कम पड़ेगा। तो सबसे कम पड़ता है किसके ऊपर? शीथ पे। तो यहां पर यही पूछा मिनिमम क्या होगा, तो शीथ लगा दिया। अगर मैक्सिमम पूछता तो कंडक्टर के सर्फेस पे क्या हो जाता बेटा मेरे लाल? मैक्सिमम हो जाता। तो मैक्सिमम ऑन कंडक्टर सर्फेस एंड मिनिमम ऑन शीथ। क्या बात है सर, मजा आ गया सर, दिल से बोल रहे हैं सर, मजा आ गया सर। चलो, मेटेलिक शीथ इज यूजुअली मेड अप ऑफ, एक आपकी मेटल की जो शीट होती है वो कैसे बनाई जाती है? लीड से बनाई जाती है, एल्यूमिनियम से बनाई जाती है, लीड और एल्यूमिनियम दोनों से बनाई जाती है, या इन दोनों से ही नहीं बनाई जाती? तो बेटा याद रखना, मेटेलिक शीट आपकी बनाई जाती है या तो एल्यूमिनियम या तो लीड से। याद रखिएगा, लीड भी यूज किया जाता है और एल्यूमिनियम भी यूज किया जाता है, लीड भी यूज किया जाता है और एल्यूमिनियम भी यूज किया जाता है। बहुत बढ़िया सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर केबल शुड बी, एक इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होता है केबल का, तो केबल का इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? एसिड प्रूफ होना चाहिए। सही बात है, एसिड वहां जाके क्या करेगा, किसी को जलाना थोड़ी है। अरे आजकल तो बिना एसिड के भी जल जाते हैं। चलो बोलने वो आ जाओ। नॉन इन्फ्लेमेबल या नॉन हाइग्रोस्कोपिक, नॉन इन्फ्लेमेबल, गैर ज्वलनशील और गैर हाइग्रोस्कोपिसिटी, जले बोलेंगे, बोलो बोलो, बहुत मजा आता तुम लोगों को, है बहुत मजा आता तुम तो। बहुत मजा आता तुम लोगों में। चलो तो भैया ये वाला तो हो गया और ये भी हो गया, तो दोनों हो गए। तो आपसे याद रखना है कि इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर ना तो हाइग्रोस्कोपिसिटी होती है, ना ही इन्फ्लेमेबिलिटी होती है, और एसिड प्रूफ भी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विच अमंग दिस इज अ डीमेरिट ऑफ अंडरग्राउंड सर्विस मेन्स, और बापरे ऐसा लग रहा है जैसे सिविल सर्विसेज का मेन्स का पेपर दे रहा है, ऐसा नहीं लगा पढ़ते पढ़ते? विच अमंग दिस इज अ डीमेरिट ऑफ अंडरग्राउंड सर्विस मेन्स, ऐसा लग रहा है सिविल सर्विस मेन। अरे भैया अंडरग्राउंड सर्विस मेन्स मतलब अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर्स की बात की जा रही है, मतलब अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल केबल की बात की जा रही है, उसके बारे में डीमेरिट क्या होता है? डीमेरिट का हिंदी में अनुवाद होता है अवगुण। क्या होता है? अवगुण। अवगुण, उसके अवगुण मतलब उसके कौन सा इनमें से गुण नहीं है, तो इनमें से कौन सा गुण नहीं है? अगली अपियरेंस, खराब दिखावट। क्या बात कर रहे हो भाई, जो चीज जमीन में है उससे अच्छा क्या ही हो सकता है जीवन में, जो चीज जमीन में है उससे अच्छा क्या ही हो सकता है जीवन में। डायमंड भी जमीन के अंदर ही है, ठीक है, जो जमीन के बाहर है वो तो छोड़ दो, जो छुपा हुआ है वही सबसे बेस्ट है। इसीलिए तो लोग बोलते हैं कि बहुत समय बाद मिला है, बहुत समय बाद मिला, तो अगली तो नहीं होगा, ब्यूटीफुल अपियरेंस होगा। फ्रिक्वेंट फॉल्ट अकरेंस मतलब नियमित त्रुटि, या कॉस्टली, या ऑल ऑफ दीज। तो भैया कॉस्टली तो होता है, ये डीमेरिट है क्या? हाँ बिल्कुल डीमेरिट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कॉस्टली इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कॉस्टली। क्लियर है क्या? यस सर। आलू भी जमीन के अंदर ही होता है। बहुत बढ़िया प्रकाश भाई, बहुत बढ़िया। चलिए, आलू पसंद है? चल, इन एन अंडरग्राउंड केबल इंसुलेटिंग मटेरियल यूज इज, एक अंडरग्राउंड केबल में इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा यूज होता है? रबर यूज होता है क्या? हाँ। पीवीसी यूज होता है क्या? पॉलीविनाइल क्लोराइड, हाँ। ऑयल इंप्रेग्नेटेड पेपर को, ये भी यूज होता तो होता तो साले सबके सब, किसी को भी यूज कर लो, उससे क्या करना, तीनों इंसुलेटर तीनों अंडरग्राउंड केबल में यूज करते हो। प्रियंक द सिबलिंग्स, सर हम सबकी जॉब लगने के बाद ही आप शादी करना, क्यों भैया ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? गजब गजब फरमाइश है तुम लोगों की। द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ केबल इज 10 किलोमीटर लॉन्ग इज 10 मेगा ओम, इंसुलेशन रेजिस्टेंस एट 100 मीटर इज। तो भैया आज से याद रखना, इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है बेसिकली वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ। ऐसी बातें चैट बॉक्स में नहीं लिखते, कोई पढ़ लेता है। चलो, इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है तो बेटा पहले 10 किलोमीटर लंबाई थी, अब आपने लंबाई को कम कर दिया। जब आपने लंबाई को कम कर दिया तो कितने गुना कम कर दिया? 3 × 1 = 4, 100 गुना कम कर दिया। तो आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो 100 गुना बढ़ जाता है। 100 गुना आपका जब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो ये 1000 मेगा ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
1000 मेगा ओम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाओ इधर, शादी मत करना नहीं तो क्लास नहीं ले पाओगे। मतलब तुम लोग ऐसा जानते हो कि शादी करने से क्लास नहीं ले पाते, क्या बात है, समझदार लोग हो तुम तो बहुत। चलो, द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ पीस ऑफ 10 किलोमीटर लॉन्ग सिंगल कोर अंडरग्राउंड केबल इज 10 मेगा ओम, द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ 25 किलोमीटर ऑन द सेम केबल विल बी, जल्दी बताएंगे, जल्दी। फिर तुम्हारा क्या होगा, अबे मैं बैठा हुआ हूं भैया, है बैठा हूं, काहे तुम इतना लोड लेते हो। चलो हमारा क्या होगा, तुमको पता है ना बे, बस फिर मेरे बारे में तुमको पता है ना सब, बस चलो आ जाओ पढ़ाई करो बे, फालतू की बात करते रहते, जब देखो जब। इंसुलेशन रेजिस्टेंस एक पीस ऑफ 10 किलोमीटर लॉन्ग केबल लाइन का इतना है, 25 किलोमीटर पे कितना होगा, तो ढाई गुना लंबाई बढ़ गई तो ढाई गुना रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ढाई गुना रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, 10/2 कितना होता है, सॉरी हाँ 10/2 कितना होता है, 4, द करेक्ट आंसर इज 4 मेगा ओम, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4 मेगा ओम, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, बहुत ही प्यारा सवाल है गाइस, एकदम आपके ना दिल को छुएगा, एकदम दिल को छू के जाएगा, एकदम अभी देखना आप छुएगा दिल को पक्के में, ठीक है, बस आप दिल अपने दिल को पकड़ के रखना, लेके ना भाग जाए। अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर हैज अ स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ 100%, स्टार्टिंग टॉर्क 100% है और मैक्सिमम टॉर्क 200% है फुल लोड के, तो बेटा देखो स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो 100% है, किसके 100% है, किसके भैया 100% यानी कि किसके फुल लोड टॉर्क के, यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क दोनों बराबर बराबर है, और मैक्सिमम टॉर्क जो आप लोगों की है वो 200% है, तो 200% यानी कि दो गुना ज्यादा है किसके फुल लोड टॉर्क के, बहुत बढ़िया सर। आपको बोला जा रहा है स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा, तो मैक्सिमम टॉर्क के केस में स्लिप क्या होगी, जल्दी 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 फटाफट जल्दी बताएंगे, तो बेटा स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो फुल लोड टॉर्क के बराबर है और मैक्सिमम टॉर्क 2 times ऑफ फुल लोड टॉर्क के बराबर है, तो आपको यहां से ये बताना है बेटा कि स्लिप कितनी होगी मैक्सिमम टॉर्क पे, जल्दी बताएंगे फटाफट। अंकित बख्शी जी का आंसर आ गया स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर से 0.707, अंकित जी कैसे निकाला ये आंसर, जल्दी कैसे निकाला ये, सभी बच्चों के आंसर सी आ रहे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जल्दी बताएंगे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अंकित बताएगा भाई, अंकित कौन सा फॉर्मूला लगता है यहां पे, अंकित भाई कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जल्दी गुड। तो बेटा एक फॉर्मूला होता है जो मैं आप लोग को आज सिखा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड 2 times ऑफ स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स अपॉन 1+ स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ये बराबर होता है आपका किसके बराबर होता है, अंकित जल्दी बोल ये किसके बराबर होता है, स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क या मैक्सिमम टॉर्क अपॉन स्टार्टिंग टॉर्क, जल्दी बोल, ये फॉर्मूला जो होता है 2 स्लिप एट विच मैक्सिमम अकर्स अपॉन 1+ मैक्सिमम का स्क्वायर इक्वल टू मैक्सिमम टॉर्क अपॉन स्टार्टिंग टॉर्क या स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क, जल्दी बोल, या स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क, जल्दी बोल, गुड। तो ये होता है बेटा स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क, तो ये ध्यान रखिएगा दिस इज कॉल्ड एज स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क, तो याद रखना है कि स्टार्टिंग टॉर्क और एक फुल लोड टॉर्क के बीच का जो रेशियो होता है वो होता है 2 times ऑफ स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अपॉन 1+ SMT का होल स्क्वायर, तो यहां से बढ़िया तरीके से आप आराम से निकाल सकते हो SMT की वैल्यू कितनी आएगी, तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0.268, ठीक है, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0.68। अब भैया हमारे अंकित जी ने बोला स्टार्ट अपॉन फुल, कोई बोल रहा है स्टार्ट अपॉन मैक्सिमम, तो चेक कर लेना भैया आज आपका यही काम है, ये नया फॉर्मूला आपको पढ़ाया है ये चेक कर लेना ये किसके बराबर होता है, जिससे आंसर 0.268 आ जाए वो मान लेना, क्लियरिटी है क्या, यस, ये स्टार्टिंग अपॉन मैक्सिमम होता है, स्टार्टिंग अपॉन फुल लोड होता है, ये एक बार आपको चेक करना है, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा ये कितना होता है बेटा स्टार्टिंग अपॉन मैक्सिमम, तो अंकित भाई इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, स्टार्टिंग अपॉन मैक्सिमम, तो स्टार्टिंग अपॉन मैक्सिमम 1/2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो यहां से SMT का होल स्क्वायर इक्वल टू -4 SMT + 1 = 0, तो यहां से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा आपको आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
What is the ratio of starting torque and maximum torque of a three-phase induction motor for a maximum torque at 900 RPM? तो अगर आपको बोला गया है रेशियो स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क का क्या होगा अगर अगर हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क कितने पे मिल रही है, सेम पुराने वाला फॉर्मूला लगाना है क्या, स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है, इसका रेशियो पूछा है। ये किसके बराबर होगा बेटा, ये बराबर होगा टू टाइम्स ऑफ स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर अपॉन वन प्लस स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर का होल स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या है बेटा यहां से इसका रेशियो, तो आपको स्लिप चाहिए मैक्सिमम टॉर्क पे, हाँ सर। अब स्लिप कैसे निकलेगी मैक्सिमम टॉर्क पे, तो स्लिप तो होती है बेटा ns माइनस nr अपॉन ns, होती है नहीं होती है, हाँ सर। अब ये देखो कितने पोल की मशीन है, तो भैया छह पोल की है तो 1000 आरपीएम हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और माइनस कितना स्पीड कितना है 900, तो 900 डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे 1000 कर देंगे, तो ये 0.1 हो जाएगा। तो यहां से एसएमटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1 हो जाएगा, तो 0.1 इसमें रख देंगे तो 1.01 हो जाएगा, 2 into 0.1 रख देंगे तो 0.2 divided by 1.01 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा, तो कितना आता है जरा कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, क्लियर है ना, कितना कर लेते हैं 0.2 डिवाइडेड बाय है ना 1.01 का होल स्क्वायर, तो करेक्ट आंसर कितना आना चाहिए 0.196 आना चाहिए क्या, ये 1.198 आ रहा है, 0.198 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है 0.198 इज द करेक्ट आंसर। An induction motor, the speed near the synchronous speed, torque speed and torque slip curve are approximately. तो सबसे पहले torque slip curve बताता हूँ। तो torque slip curve जो मेरे लाल होता है, वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। Torque slip curve जो हमको देखने को मिलता है, वो इस तरीके का देखने को मिलता है। ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये torque है और ये slip है, right? Okay sir. अब starting में यहाँ पर slip की value होती है 1 और यहाँ पर slip की value कितनी होती है बेटा 0, ये बात तो सबको समझ में आती है, हाँ सर। अब याद रखिएगा इसमें बोल रहा है नियर द सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड के पास में, तो अगर सिंक्रोनस स्पीड के पास की बात की जा रही है तो हम लोग यहां की बात कर रहे हैं, और अगर हम यहां की बात कर रहे हैं तो टॉर्क स्लिप कर्व जो है हमारा वो कैसा हो जाता है लीनियर, टॉर्क स्लिप कर्व कैसा हो जाता है हमारा लीनियर हो जाता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन हो जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सप्लाई वोल्टेज एक थ्री फेस इंडक्शन मोटर का रिड्यूस कर दें 10% से, अगर सप्लाई वोल्टेज एक थ्री फेस इंडक्शन मोटर का 10% से कम कर दें तो कितने परसेंटेज टॉर्क में डिक्रीमेंट हो जाता है, अगर सप्लाई परसेंटेज सप्लाई वोल्टेज को थ्री फेस इंडक्शन मोटर का 10% अगर कम कर दें तो आपको यह बताना है मैक्सिमम टॉर्क जो जनरेट होती है उसमें कितने परसेंट की कमी आ जाती है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो बेटा मैक्सिमम टॉर्क का जो हमारा फॉर्मूला होता है ये बेसिकली होता है KTe1 square by 2x2, ये होता है बेटा मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला। अब इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो मैक्सिमम टॉर्क है, हमारी जो मैक्सिमम टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर है, क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर। अब आपने क्या करा, पहले वाला मैक्सिमम टॉर्क 1 अपॉन बाद वाला मैक्सिमम टॉर्क 2, मैक्सिमम टॉर्क 1 अपॉन मैक्सिमम टॉर्क 2 इक्वल टू पहले वाला वोल्टेज, अगर हम बात करेंगे तो पहले वाला वोल्टेज कितना है और बाद वाला वोल्टेज कितना है, तो पहले वाला वोल्टेज तो V1 ही था, बाद वाला वोल्टेज में 10% की कमी कर दी तो वो हो जाता है 0.1 V1, दोनों का होल स्क्वायर अपन लोग कर देंगे तो V1 स्क्वायर से V1 स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और ये 1 अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर हो जाता है, 1 अपॉन 0.1 यानी कि हो जाता है 1 अपॉन 0.1 10 100 हो जाता है, कितना हो जाता है 100 हो जाता है। तो भाई ये अभी ये साला क्या निकाल दिया है, 0.9 होगा बेटा है ना, तो 0.9 का हो जाता है, तो करीब करीब 0.81 हो जाता है, कितना हो जाता है 1 अपॉन 0.81 हो जाता है, 1 अपॉन 0.81 हो जाता है, मतलब 19% का नुकसान हो जाएगा, यानी कि करीब करीब 20% के आसपास आंसर हो जाएगा। तो भाई कितना 19% और अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 20% के आसपास। सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक करेंगे और जो विद्यार्थी बेटा क्लास में से घुसते हैं और फिर ऐसे देख के वापस आ जाते हैं तो छुपन छुपैया नहीं खेलना बेटा, पढ़ाई करो जिंदगी में यही काम आने वाली है, ठीक है। जितना ज्यादा आप हार्डवर्क करोगे लाइफ के अंदर उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न्स मिलेंगे जिंदगी में, ये ध्यान रखना। दुनिया में कोई इंसान आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि भैया मेहनत करना कम कर दो, जितनी ज्यादा करोगे ऑटोमेटिकली दिल से करोगे सारी चीजें आप ही के साथ है। जो लोग बोलते हैं हमारा लक काम नहीं करता, लक फैक्टर नहीं होता, तो बस एक ही बात बोलूंगा, जिंदगी में जितनी नेगेटिविटी अपने पास से हटा लोगे जिंदगी में लक फैक्टर भी आपका आप ही के साथ रहने वाला है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो मेहनत करते रहो कंटिन्यूअसली, और कुछ करने की जरूरत
नहीं है, ठीक है। अब आपकी बॉडी है, आप ही को पता है उसको कैसे यूज करना है, आपकी बॉडी है आप ही को पता है उसको कैसे यूज करना है। दुनिया भर की चार बातों के बारे में सोचने लग जाओगे तो डेफिनेटली दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। भाई अगर मैं एक बात बात करूं, एक पानी की बोतल, एक लीटर की पानी की बोतल, तो उसमें एक लीटर का ही पानी आ सकता है, उसमें ये सोचोगे कि एक लीटर से ज्यादा डाल दूंगा तो पॉसिबल नहीं, बाहर फिंक जाएगा। इसलिए जो दिमाग है उसको, जितना दिमाग है उसको सही जगह यूटिलाइज करो, दुनिया भर की बाकी की जगह यूटिलाइज करने से बेटर है, उसको सही जगह यूटिलाइज करो। दूसरी एक बात और सुन लेना, पेपर पढ़ के ही निकलता है, रगड़ रगड़ के ही निकलता है। जब खुद को रगड़ लोगे इतना तो अपने आप पेपर निकल जाता है। दिल से बोल, दिल से सोच के देखना कभी आज तक कि क्या वाकई में खुद को इतना रगड़ा है, तो अपने अंदर आवाज आएगी नहीं और रगड़ सकते थे, तो बस वही वाली बात है, रगड़ सकते थे तो फिर चुपचाप रगड़िए अपने आप को, ठीक है। चलिए आ जाइए सर, थ्योरी क्लास ना होता, थ्योरी क्लास भी होता भैया, कहां गया वो, कौन थे, विष्णु महात्ता होता है बेटा। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। If the induction motor, the torque is directly proportional to, एक induction motor की जो torque होती है वो directly proportional किसके होती है, एक induction motor की जो torque होती है ये directly proportional किसके होती है, slip के होती है, higher slip value होती है, voltage slip होती है, lower slip values होती है। तो एक induction motor की अगर हम बात करें तो इसकी जो torque होती है, एक induction motor की अगर हम बात करें तो इसकी जो basically torque होती है ये directly proportional किसके है, तो एक induction motor की जो torque है directly proportional होती है lower value of slip के। कैसे पता, तो अभी थोड़ी देर पहले टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक बनाया था और जहां पर मैंने आपको बोला था कि भाई इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ऐसी होती है, तो यहां पर याद रखना सबसे कम वैल्यू की स्लिप होती है और यहां पर सबसे ज्यादा वैल्यू की स्लिप होती है, तो यहां पर सबसे ज्यादा वैल्यू की स्लिप है और यहां पर सबसे कम वैल्यू की स्लिप है, यहां पर टॉर्क है और यहां पर क्या है, स्लिप है। तो यहां पर याद रखना टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप है और यहां पर याद रखना टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप है। तो जब लो वैल्यू की तरफ जाओगे तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप है और जब हाई वैल्यू की तरफ जाओगे तो टॉर्क करेक्ट आंसर इज लो स्लिप वैल्यूज। नेक्स्ट बहुत प्यारा सवाल है, एक एक्स नाम का सेमीकंडक्टर है, ईएक्स वाला नहीं है ये, एक्स है, is made by doping of boron, तो X के अंदर हमने क्या करा, बोरॉन मिला दिया, X के अंदर हमने क्या करा, बोरॉन मिला दिया, ठीक है, बोरॉन, ठीक है, certain X semiconductor is made, नहीं इसके अंदर नहीं मिलाया, इसके अंदर नहीं मिलाया, ये बोल रहा है X बनाया गया है, अगर मैंने सिलिकॉन के अंदर बोरॉन को मिला दिया तो ओके भैया, तो बोल रहा है सिलिकॉन में बोरॉन को मिलाया, तो एक अनादर सेमीकंडक्टर है वाई, इसके अंदर क्या करा है हमने, डोपिंग करी है आर्सेनिक टू सिलिकॉन, इसमें सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलाया है। आपको बोला जा रहा है किसकी कंडक्टिविटी हाई होगी, तो भैया देखो अगर सिलिकॉन में बोरॉन मिलाओगे तो ये बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप का मतलब क्या होता है, होल। ये बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बोला जा रहा है दोनों में से कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, तो बेटा दोनों में से कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, बाय डिफॉल्ट किसकी ज्यादा होगी, वाई की, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है किससे, होल्स की मोबिलिटी से, तो एक इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल से ज्यादा होती है, इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी हमेशा पी टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी से ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, In which of the following resistance will decrease when temperature is increased? अगर मान लीजिए बेटा वो कौन सी चीज है जहां पर हमारा क्या होगा, resistance कम होगा अगर हम temperature को बढ़ा दे, तो ऐसे याद रखना अगर हम लोग बेटा temperature को बढ़ा दे तो आपका resistance कम होने लगता है, अगर मैं temperature को बढ़ा दूं तो resistance कम होने लगता है, या तो मैं temperature को बढ़ा दूं तो मेरा resistance बढ़ भी सकता है, दोनों केस पॉसिबल है या नहीं है, हाँ सर, तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस कम होने लगेगा और अगर मेरा रेजिस्टेंस कम हो गया तो इसको बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, लेकिन अगर टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा, इसको बोलते हैं कंडक्टर। तो ये तीनों के तीनों किस कैटेगरी में आते हैं, ये सभी के अंदर टेम्परेचर को बढ़ाने से, ठीक है, सभी के अंदर टेम्परेचर में बढ़ाने से अगर हम बात करेंगे, टेम्परेचर के बढ़ाने की अगर हम बात करेंगे तो टेम्परेचर की जब हम बात करने वाले हैं, टेम्परेचर बढ़ाने की जब हम बात करते हैं तो तीनों के अंदर बेटा रेजिस्टेंस क्या होने लगता है, कम होने लगता है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट, एक सर्टेन सेमीकंडक्टर है ए जो कि बनाया गया है डोपिंग करके, किसकी, एल्यूमिनियम की, किसके साथ, सिलिकॉन के साथ,
सिमिलरली एक अनदर कंडक्टर है बी, जिसके अंदर क्या करके गया है, डोपिंग करी गई है किसकी, आर्सेनिक की, किसके साथ, सिलिकॉन के साथ। तो भैया ऊपर वाले में क्या करा, एल्यूमिनियम की डोपिंग करी तो ये बनेगा पी टाइप, इसके साथ आर्सेनिक की करी तो ये बनेगा एन टाइप। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है एन टाइप की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी किससे, पी टाइप से। जाहिर सी बात है एन टाइप की कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा, पी टाइप से, यानी कि बी की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, ए से। अगेन सेम क्वेश्चन है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल। सभी बच्चे एक बार सेशन को दिल से तेजी से लाइक करके एक बार शतक मारेंगे, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आप लोग भी चैट बॉक्स में यहाँ पे कर पाओ, ठीक है। चलिए जल्दी करेंगे फटाफट। विष्णु थ्योरी क्लास बेटा बैच के अंदर होता है, शुरुआत में क्लास के बताया मैंने ना, यहां पर होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं, और सारी थ्योरी क्लासेस यानी कि बेसिकली किस तरीके से चीजों को टैकल करना बेसिक लेवल से एडवांस, वो बैच के अंदर है, वो आप लोगों को मिलेगा सब्सक्रिप्शन के अंदर। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। एन टाइप सिलिकॉन इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग विथ, एक एन टाइप के सिलिकॉन की अगर हम बात करें, सर पीडीएफ सेंड कर दीजिए टेलीग्राम, दिनेश भाई आपको पीडीएफ बेटा या तो कल या तो सैटरडे, सैटरडे संडे क्लासेस कम रहती है, मैं एक ही काम करूंगा पीडीएफ वाला, अभी तक की मैं पीडीएफ भेज दूंगा, जो भी मैंने पीडीएफ व्हाइट वाले क्वेश्चन की बात करवाई थी उसका आप लोड मत लो, ठीक है। आपको मुश्किल से दो दिन एक घंटा नहीं लगेगा भाई तेरे को पढ़ने में, है ना, सब कुछ तो याद ही है। चलिए एन टाइप सिलिकॉन इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग सिलिकॉन विथ, एन टाइप का जो सिलिकॉन होता है वो ऑब्टेन करता है बाय डोपिंग सिलिकॉन विथ। तो अगर हम लोगों को एन टाइप सिलिकॉन की बात करना है, अगर हम लोगों को एन टाइप सिलिकॉन की बात करना है ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग सिलिकॉन विथ, तो अगर हम लोगों को बेटा एन टाइप सिलिकॉन की बात करना है ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग सिलिकॉन विथ, तो एन टाइप सिलिकॉन इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग सिलिकॉन विथ। तो अगर हम लोगों को सिलिकॉन के साथ, है ना, एन टाइप सिलिकॉन के साथ क्या मिला दे, सॉरी एन टाइप सिलिकॉन कैसे बनता है, क्या डोपिंग करेंगे, तो डोपिंग करना पड़ती है एन टाइप बनाने के लिए पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मिथ, तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंटीमनी आर्सेनिक और बिस्मिथ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, व्हाट इज द नीड ऑफ डोपिंग, डोपिंग क्यों करनी पड़ती है, डोपिंग मतलब होता है इंप्योरिटी को ऐड करना, डोपिंग मतलब होता है इंप्योरिटी को ऐड करना, और अगर डोपिंग मतलब होता है इंप्योरिटी को ऐड करना, डोपिंग मतलब होता है इंटर किसको, है ना, इंप्योरिटी को ऐड करना, तो डोपिंग मतलब इंप्योरिटी को ऐड करना, और इंप्योरिटी को ऐड करना मतलब कंडक्टिविटी को बढ़ाना, तो याद रखिए कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग डोपिंग करते हैं। तो बाय द प्रोसेस ऑफ डोपिंग इज डन, डोपिंग डन होने की प्रोसेस जो है बेसिकली वो क्या है, कंडक्टिविटी, ठीक है। चलिए कोई एक बच्चा है, सर रोली भारती आपका कमेंट देख रहा हूं बेटा, देखो कोई मेरी प्लीज मदद करवा दो, बहुत अर्जेंट है, एएसजी बोल रहे हैं पीडीएफ कहां मिलेगी, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, एएसजी बोल रहे हैं कि कोई मेरी हेल्प करा दो, मेरा इंटरव्यू है, 400 रुपए चाहिए, आप अपना इंटरव्यू कॉल लेटर बेटा भेज दो तुरंत मेरे को टेलीग्राम पे, मैं मदद कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आप मेरे को अपना इंटरव्यू कॉल लेटर क्लास के बाद टेलीग्राम पे भेज दीजिए, टेलीग्राम आईडी में दूंगा, ठीक है, है ना, इंटरव्यू का जो कॉल लेटर है उसको आप टेलीग्राम चैनल पे भेज दीजिएगा, आपकी मदद मैं कर दूंगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोपिंग इन अ सेमीकंडक्टर, एक सेमीकंडक्टर में डोपिंग का क्या मतलब है, ठीक है, है ना, एक डोपिंग में सेमीकंडक्टर का क्या मतलब है, एनर्जी बढ़ाना, एडिंग इंप्योरिटी टू इट, रिड्यूसिंग द बैंड गैप, या हीटिंग इट टू द हाई टेम्परेचर, या हीटिंग इट टू द हाई टेम्परेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोपिंग इन अ सेमीकंडक्टर, एक सेमीकंडक्टर में डोपिंग का मतलब क्या होता है बेटा, एडिंग इंप्योरिटी टू इट, अगर हम इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो उसी को बोलते हैं डोपिंग इन द सेमीकंडक्टर। डोपिंग मटेरियल आर कॉल्ड इंप्योरिटीज बिकॉज, डोपिंग मटेरियल जो होते हैं हमारे बेसिकली आर कॉल्ड इंप्योरिटीज, इनको हम लोग इंप्योरिटीज इसलिए बोलते हैं बिकॉज डिक्रीज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, चेंज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर, मेक सेमीकंडक्टर लेस देन 100% प्योर, ठीक है, एंड अल्टर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। द करेक्ट आंसर इज अल्टर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्योर सेमीकंडक्टर। तो डोपिंग मटेरियल आर कॉल्ड इंप्योरिटीज, इनको इसलिए इंप्योरिटीज क्यों बोलते हैं, भाई आप सिलिकॉन में जाके मिलावट कर रहे हो, मिलावट करने से उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है। आप बोलोगे कैसे स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, बताता हूं। तो शुरुआत में जो सिलिकॉन होता है वो चार बॉन्ड बनाता है इस तरीके से, ठीक है, अब ये चार बॉन्ड किसके साथ बनाता है, सिलिकॉन के साथ चार बॉन्ड बनाता है। अचानक से क्या होता है, आपने इसके अंदर डाल दिया मान लो क्या, फॉस्फोरस,
तो फॉस्फोरस जब आपने डाल दिया इसके अंदर, तो फॉस्फोरस क्या करता है बेटा, फॉस्फोरस क्या करता है, बीच में आके बैठ जाता है, फॉस्फोरस बनाता है पांच बॉन्ड ऐसे करते करते पांच, तो एक यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो बीच में इस तरीके के बहुत सारे फॉस्फोरस आके बैठ जाते हैं, तो इससे क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारा चेंज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, अभी बताया था थोड़ी देर पहले बेटा फुल वेव रेक्टिफायर हो या है ना या नॉर्मल साइन वेव दी और इसका फॉर्म फैक्टर कितना होगा, तो इसके पहले वाली क्लास के अंदर गाइस ऑलरेडी केमिकल स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं होता सोनाली, केमिकल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट है ना, केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। तो एटम के अंदर जब दूसरे एटम आ जाते हैं तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज होता है, केमिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि उसका बेसिकली उसका मतलब प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाए, मतलब यानी कि आप समझ लो कि बेसिकली जैसे नहीं हो गया हाइड्रोजन में आपने ऑक्सीजन मिलाया तो कुछ और ही बन गया पानी, दैट इज कॉल्ड केमिकल स्ट्रक्चर। चलिए जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन को। फॉर्म फैक्टर वैल्यू ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर की अगर हम बात करेंगे तो इसका फॉर्म फैक्टर कितना होता है, एक फुल वेव रेक्टिफायर की अगर हम बात करेंगे तो इसका फॉर्म फैक्टर कितना होता है, एक फुल वेव रेक्टिफायर का अगर फॉर्म फैक्टर की बात करेंगे तो ये सभी को पता होना चाहिए 1.11 होता है, और अगर हम एक हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो 2.22 होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फुल वेव रेक्टिफायर में अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, कल भी करवाया था ये क्वेश्चन, अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी फुल वेव रेक्टिफायर में डबल हो जाती है, तो अगर हमारे पास एक हाफ वेव रेक्टिफायर है तो जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वही रिपल फ्रीक्वेंसी है, वही इनपुट फ्रीक्वेंसी है, अगर हमारे पास एक फुल वेव रेक्टिफायर है तो जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो दो गुना हो जाती है एक इनपुट फ्रीक्वेंसी के, यानी कि करेक्ट आंसर इज 100 हर्ट्ज हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट, मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी फुल वेव रेक्टिफायर की कितनी होती है, तो दो रेक्टिफायर होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, क्लियर, और एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर की अगर हम बात करेंगे तो उसकी जो परसेंटेज एफिशिएंसी है, या फुल वेव रेक्टिफायर की अगर हम बात करेंगे उसकी जो परसेंटेज एफिशिएंसी है, तो परसेंटेज एफिशिएंसी की अगर हम बात करेंगे तो परसेंटेज एफिशिएंसी इसकी 40.6 होती है, और अगर हम इसकी बात करेंगे है ना परसेंटेज एफिशिएंसी की, तो इसकी परसेंटेज एफिशिएंसी जो होती है वो 81.2% होती है, तो याद रखिएगा परसेंटेज एफिशिएंसी 40.6 है और इसकी बेसिकली कितनी है 81.2 होती है, किसकी, फुल वेव रेक्टिफायर की। क्लैरिटी है क्या? यस सर। नेक्स्ट, अ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर इज सप्लाइड वोल्टेज 50 हर्ट्ज, द लोवेस्ट रिपल फ्रीक्वेंसी विल बी, एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का सप्लाइड वोल्टेज 50 हर्ट्ज है तो बेसिकली आपको बताना है लोवेस्ट रिपल फ्रीक्वेंसी विल बी, सबसे कम रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। जल्दी, क्या बात है, आज मोमिता भी क्लास में आई, मोमिता बड़े दिनों बाद, ऐसा क्यों, एक्सप्लेन तो कर दो सर, एक्सप्लेन ही किया था बेटा। चलो, तो अगर एक फुल वेव रेक्टिफायर का 50 हर्ट्ज है तो इसकी लोवेस्ट रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, अभी बताया था फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट या फिर आउटपुट फ्रीक्वेंसी को ही रिपल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, रिपल या फिर आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होती है दोनों की सेम होती है, तो बेटा आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होती है फुल वेव रेक्टिफायर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक इनपुट की साइकिल में दो पल्सेस बनती हैं, तो यहां पर ये हमारा इनपुट होता है और ये हमारा आउटपुट होता है, तो एक इनपुट की साइकिल में दो पल्स बन जाती है इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी डबल रहती है। द करेक्ट आंसर इज 200 हर्ट्ज, द करेक्ट आंसर इज 100 हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट, द रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है, तो फॉर्म फैक्टर अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था बेटा मैंने, फॉर्म फैक्टर जो बेसिकली होता है वो 1.11 होता है, तो रिपल फैक्टर कितना होगा, तो रिपल फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है, तो आपसे याद रखना क्या, रिपल फैक्टर जो होता है बेसिकली वो होता है अंडर रूट ऑफ फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस 1, तो एक रिपल फैक्टर जो होता है वो फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो 1.11 का स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट करने जाते हो तो ये क्या मिलता है 0.48 मिलता है, कितना मिलता है बेटा 0.48 मिलता है। क्लैरिटी है क्या? यस सर। क्लैरिटी है? यस सर। चलिए सभी बच्चे एक बार सेशन को मस्त तरीके से लाइक करके 100 क्रॉस करेंगे, जल्दी सभी बच्चे सेशन को एक बार 100 क्रॉस करेंगे लाइक, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है और एक एनर्जी के साथ करेंगे, तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी फास्ट जल्दी। क्या बात है। चलो, कौन कौन है भाई, चल
द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल ओपेम्प इज, एक आइडियल ओपेम्प की अगर हम बात करें, आता है प्रिया डॉली, यस मोहिनी 6:30 पे आता है प्रिया, बिल्कुल आता है। द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल ओपेम्प इज, एक आइडियल ओपेम्प की अगर हम बात करें तो उसका इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है एक आइडियल ओपेम्प का, मैं देखता हूं प्रिया एक बार, है ना, मैं देखता हूं बेटा एक बार। द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल ओपेम्प इज, तो आज से याद रखना बेटा एक आइडियल ओपेम्प के बारे में, एक आइडियल ओपेम्प के बारे में आज से याद रखना, एक आइडियल ओपेम्प वो डिवाइस होता है जिसका सबसे पहला सब कुछ इनफाइनाइट है, हिंदी में लिख देता हूं सब कुछ इनफाइनाइट है, सब कुछ इनफाइनाइट, इसका सब कुछ क्या है इनफाइनाइट, बस एक्सेप्ट यानी कि एकमात्र चीज एक्सेप्ट आउटपुट रेजिस्टेंस, तो एक आउटपुट रेजिस्टेंस जो कि इसका होता है जीरो, उसको छोड़ के इसका सब कुछ इनफाइनाइट है, तो इनपुट रेजिस्टेंस भी इसका क्या है गाइस इनफाइनाइट है, तो एक आउटपुट रेजिस्टेंस या आउटपुट इंपीडेंस को छोड़ के इसका सब कुछ इनफाइनाइट है, याद रखिएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट इंपीडेंस ऑफ एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज, आउटपुट इंपीडेंस क्या होगा अभी बताया था कितना होता है जीरो। नेक्स्ट, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज, इसका क्या होना चाहिए इनफाइनाइट आउटपुट इंपीडेंस होना चाहिए, नहीं, जीरो इनपुट इंपीडेंस होना चाहिए, नहीं, बट बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए इनफाइनाइट होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर कनेक्टेड एज एन इनवर्टिंग एम्पलीफायर द वर्चुअल ग्राउंड इज एट, जल्दी बताएंगे ये बहुत ही प्यारा सवाल है इसको करेंगे। एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की अगर हम बात करें और कनेक्ट एज अ इनवर्टिंग एम्पलीफायर, जो कि इनवर्टिंग एम्पलीफायर की तरह करें, तो द वर्चुअल ग्राउंड कहां पर होगा, वर्चुअल ग्राउंड कहां होगा, इनवर्टिंग एम्पलीफायर की तरह अगर ये काम करता है तो वर्चुअल ग्राउंड कहां होगा, इनवर्टिंग टर्मिनल पे, नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल पे, इनपुट पे या आउटपुट पे, तो भैया बना के दिखाओ सर, है ना, बना के दिखाओ, ये बना लिया मैंने ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ओके, इनपुट कितने दो, ये टर्मिनल इनवर्टिंग, ये टर्मिनल क्या नॉन इनवर्टिंग, तो यहां पर बोला जा रहा है ओपेम्प कनेक्टेड एज एन इनवर्टिंग एम्पलीफायर, ओके, तो भाई ये इनवर्टिंग एम्पलीफायर की तरह कनेक्टेड है, तो वर्चुअल ग्राउंड कहां होगा, तो यहां पे इनपुट दे देंगे, यहां पर अपन लोग क्या दे देंगे इसके इनपुट दे देंगे, और यहां से अपन लोग इसमें फीडबैक ले लेंगे और इसको अपन ग्राउंड कर देंगे, तो भाई वर्चुअल ग्राउंड कहां देखने को मिलेगा, वर्चुअल ग्राउंड मिलता है इनवर्टिंग टर्मिनल पे ही, तो याद रखिएगा अगर इनवर्टिंग एम्पलीफायर बनाते हो तो वर्चुअल ग्राउंड भी इनवर्टिंग पे मिलता है, और नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल बनाते हो तो वर्चुअल ग्राउंड भी नॉन इनवर्टिंग पे मिलता है, याद रखिएगा। चलिए, द वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट ऑफ ओपेम्प इज वैलिड फॉर, अगर एक वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट की बात करेंगे ओपेम्प की, वो वैलिड कब होगा, पॉजिटिव फीडबैक पे, नेगेटिव फीडबैक पे, नो फीडबैक पे, या फिर एनी ऑफ एबीसी, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट ओपेम्प का कब वैलिड है, तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट ओपेम्प का तभी वैलिड है जब बेटा ओपेम्प काम करता है एम्पलीफायर की तरह, लेकिन अगर आप ओपेम्प को एज अ शिमिट ट्रिगर यानी कि पॉजिटिव फीडबैक यानी कि डीजनरेटिव फीडबैक की तरह काम करवाते हो तो वो ऑसिलेटर की तरह काम करता है, बट एज एम्पलीफायर काम करवाते हो तो ये नेगेटिव फीडबैक की तरह काम कर रहता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की डेफिनेशन क्या है, क्या ट्रांसफॉर्मर है, आरसी कपल्ड है, इनडायरेक्ट कपल्ड है, डायरेक्ट कपल्ड है, द करेक्ट आंसर इज ऑलवेज इट इज अ डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, इट इज ऑलवेज अ डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, क्लियरिटी है क्या, यस सर क्लियरिटी है, सभी बच्चे एक बार दिल से सेशन को लाइक करेंगे मस्त तरीके से और एक गुड न्यूज सुनेंगे, जितने भी बच्चे राइट नाउ अभी क्लास देख रहे हो, आज रात को 9:30 बजे से टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी क्लास लेके आ रहा हूं, ऑलरेडी 1.5 साल से ले रहा हूं, इस दिन कभी भी छुट्टी नहीं होती, लेकिन अब इसी 1.5 साल की इसी वाली क्लास में कुछ नया लेके आ रहा हूं आज से आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ यहां पर हम लोग मिलेंगे 20 से 25 मिनट के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं मिलते हैं, इस 20 से 25 मिनट में कुछ आपको ऐसी चीजें दिखा दूंगा जो आपने कभी जीवन में देखी भी नहीं थी और सोची भी नहीं थी, तो हर एक बच्चा जो आज जेईई एग्जाम की तैयारी करता है वो सारे बच्चे, जो बच्चे यहां पे अभी क्लास देख रहे हैं सारे बच्चे रात को 9:30 बजे भी रहेंगे। अब इस क्लास की जो लिंक है वो कहां मिलेगी, इस क्लास की लिंक 9 बजे के बाद आफ्टर 9 PM आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, कहां मिलेगी आफ्टर 9 PM मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, ओके सर। अब टेलीग्राम चैनल कौन सा है सर आपका, तो टेलीग्राम चैनल है मेरा मोहित कासन्या सर टेक्स्ट बुक, क्या है मोहित कासन्या सर टेक्स्ट बुक, MOHIT KASANSIR TEST BOOK, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है बेटा मोहित कासन्या सर टेक्स्ट बुक, तो इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको मेरी ये क्लास, ये इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, इस पे क्लास की लिंक आएगी, लिंक के अंदर एंटर कर जाना, अभी दिमाग में रखो रात को 9:30 बजे।
तो अब आप लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरी 4 बजे से लेकर 6 बजे तक की क्लास डेली अटेंड करते हैं यूट्यूब पर, बट इन क्लासेस के अंदर वो कभी नहीं आए। अब आपसे आपको इन क्लासेस में भी आना है, क्योंकि अब से आपके लिए मैं यहाँ पे कुछ एक अलग चीजें लेके आ रहा हूं जो आपने पहले कभी देखा भी नहीं था, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। सब बैच में कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है भाई? अब बैच की बात कर लेते हैं। तो ये तो हो गई ये वाली क्लासेस के बारे में, अब बात कर लेते हैं। तो जो बच्चे बेटा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे, जब ये वीडियो आप क्लास देख रहे हो, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में इसके बाद वाला यहाँ लिखा है AJEE इलेक्ट्रिकल, तो AJEE इलेक्ट्रिकल पे क्लिक करेंगे तो आप इस पूरे सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मेरा बैच मिलेगा, यहाँ पे आपको इंडिया के और इंस्टीट्यूट के बैचेस भी मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, मेरी लाइव क्लासेस, मेरी डाउट क्लासेस, सारे एग्जाम की टेस्ट सीरीज। और आपको इसको ज्वाइन करना है, 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ 5809 रुपीस का है, लेकिन इसको भी आप कम कर सकते हो बाय यूजिंग द कूपन कोड मोहित के। तो अगर आप लोग मोहित के अप्लाई करोगे तो तुरंत ये 5300 का मिल जाएगा आपको, बट वो भी कब तक के लिए, 12 महीने के लिए, 6 महीने वाला और कम है, 3 महीने वाला और कम है। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप टेलीग्राम पे मुझसे रीच आउट कर लीजिए, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा और क्या क्या चीजें मिलती है। या शुरुआत मेरी क्लास का शुरुआत वाला पार्ट सुन लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? चलिए, तो अब बढ़िया तरीके से वापस कब मिलते हैं, 9:30 बजे। लिंक कहां मिलेगी, टेलीग्राम पर, कितने बजे, 9 बजे के बाद, ठीक है? चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू वेरी मच।